देखिए 7 सेकंड रिपोर्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से। आज उनका दौरा है और ऐसे में काशी वासियों के लिए ढेर सारी योजनाओं पर योजनाओं का पिटारा खुलने वाला है। कुल 23 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण या तो शिलान्यास होना है, लेकिन इसके अलावा लोगों का ध्यान खींच रहे हैं वहां लगे बैनर पोस्टर, खासकर एक खास तरीके का पोस्टर। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में राम मंदिर, तीसरे हाथ में जनधन योजना और इसी तरह 10 अलग अलग हाथों में पीएम मोदी की 10 उपलब्धियों वाला ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम आज बनारस आ रहे हैं, लिहाजा ऐसे पोस्टर बैनरों से पूरा शहर पटा हुआ है। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री जी के 10 हाथों वाला बैनर लगा करके उनकी योजनाओं को और उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का काम किया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 6600 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं, जिसमें 380 करोड़ की लागत से तैयार सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारनाथ में गरीबों के लिए योजना, सीपेट और लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास। इसके अलावा 2870 करोड़ की लागत से बने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन, 4 करोड़ की लागत से बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर एसपी जीएनएसडी कमांडो समेत एटीएस और अर्धसैनिक बलों और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आइए आपको महाराष्ट्र लिए चले, जहां पर मुंबई में एक होटल में महा विकास आघाड़ी विपक्षी दलों की बैठक होती है। इस बैठक में 8 घंटे तक चर्चा, लेकिन किसी भी तरीके की सीट शेयरिंग पर लगता है सहमति नहीं बन पाई। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो ढूंढ निकाला गया है। बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अब तक सीटों का फॉर्मूला अंदर खाने फिर नहीं बैठ पा रहा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एमवीए में 288 में 260 सीट पर सहमति बन गई है, लेकिन बची हुई 28 सीटों पर पेच फंस गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 4-5 सीट देने के पक्ष में है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट विदर्भ की 8 से 9 सीट पर दावा ठोक रहा है। इधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर दावा ठोक कर महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं, कम से कम सम्मान की तरह। इधर अगर बात महायुति यानी कि एनडीए की करें तो सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुल 288 सीटों में से बीजेपी 150 प्लस, शिवसेना शिंदे गुट 70 प्लस और एनसीपी अजीत गुट 60 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और झारखंड बीजेपी की बात करें तो 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो यहां पर 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दोबारा टिकट मिली है। उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं 60 सेकंड के भीतर। झारखंड में इस बार बीजेपी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। इस बार आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर के साथ गठबंधन किया है। समझौते के तहत कुल 81 सीट में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में सभी समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी 2019 में 25 सीट जीती थी, जिनमें से 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, 2 विधायकों की सीट बदली गई है, 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 2019 के बाद सियासी समीकरण काफी बदला, कई नेताओं ने दल बदल किया, बीजेपी में शामिल बाहरी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। जेवीएम से आए बाबूलाल मरांडी, जेएमएम के चंपाई सोरेन, लोबिन हेब्रम, सीता सोरेन को टिकट दिया है तो निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव और कांग्रेस से आई गीता कोड़ा को एनसीपी से आए कमलेश कुमार को टिकट दिया गया। बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद की भी झलक दिख रही है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। और देखिए, केरल के वायनाड में उपचुनाव होना है और यहाँ पर प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी की ओर से नव्या हरिदास ताल ठोक रही हैं। रही बात प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन की तो 23 तारीख को होना है, जहाँ पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी से नव्या हरिदास और एलडी सत्ताधारी एलडीएफ से वरिष्ठ नेता सत्यन मुकेरी, ये वो 3 नाम है जो वायनाड के रण में एक दूसरे को सीधे चुनौती देने वाले हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया था, जिस पर लगभग सभी पार्टियों ने अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। नव्या हरिदास पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं,
केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक की डिग्री हासिल की। कोझिकोड से निगम पार्षद हैं और वर्तमान में फिलहाल बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव के पद पर हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव त्रिकोणी माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं, जबकि नव्या हरिदास बीजेपी के लिए एक युवा और जोशीला विकल्प मानी जा रही हैं। बहरहाल मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आइए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो अपडेट है वो आपको बताएं। यहां 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 3 की तलाश अभी भी की जा रही है, लेकिन बड़ा टर्न कह सकते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान ने एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट ने अब हर किसी को अट्रैक्ट किया है। क्या है इस पोस्ट में, देखिए आप। कुछ दिल जलाए करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी का यह ट्वीट मन के अंदर उमड़ रही भावनाओं का ज्वार है, जिसे जिशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इधर बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इधर एबीपी न्यूज को दिया इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, जिस पर एक बार फिर बिश्नोई समाज नाराज हो गया है। बिश्नोई समाज ये चाहता है कि जो उसने गलती की है उस गलती की उसको माफी मांगनी चाहिए। कांकड़ी वही इलाका है जहां काले हिरण का शिकार हुआ था। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक नहीं 3-3 हिरणों का शिकार किया गया। यहां 3 मारे हैं, रात के 1:30-2 बजे की बात है, ये इनकी समाधि यहां दी हुई है। इधर पुणे में एक आभूषण कारोबारी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें इसे भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए करोड़ों की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आइए बिहार की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का तीसरा दिन पूर्णिमा यानी पूर्णिया में वो करने वाले हैं पदयात्रा। लेकिन उससे पहले अगर पिछली यात्रा की बात करें, कल की बात करें, तो उन्होंने देसी और बांग्लादेशी मुसलमान कौन है इसकी परिभाषा दी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कटिहार पहुंचे, जहां गिरिराज सिंह के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल भी साथ नजर आए। कटिहार में गिरिराज सिंह एक बार फिर हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे वाला संदेश दिया। यहाँ शरिया कानून स्थापित, स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती, लोग बटे हुए चारों तरफ से घिरे हुए, इसीलिए मैं कहता हूँ बटोगे तो कटोगे। कटिहार की गिनती बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में होती है, ऐसे में गिरिराज सिंह एक और हिंदुओं को एकता का संदेश दे रहे हैं, तो देसी बनाम बांग्लादेशी मुस्लिम की परिभाषा भी गढ़ रहे हैं। यहाँ असली और नकली दो मुसलमान हैं, एक असली है देसी जो 71 के पहले वाले हैं और 71 के बाद वालों की भीड़ आई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई उस पूरे मामले पर एक्शन का दौर, जहां 23 घरों को चिन्हित करके पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया, उसे अवैध या कागजात दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया। लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो आई बहराइच से वो ये है कि लोग खुद ही अपना घर अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में तस्वीर आम है, लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं, दुकानें खाली हो रही हैं, सामान दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। 23 घरों पर पीडब्ल्यूडी का नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में हड़कंप है, लोग खुद ही अपना मकान दुकान खाली कर रहे हैं। और ये पहले जो पीडब्ल्यूडी वाले का था तो यहाँ से निशान लग के गया था, अभी इस बार क्या हो रहा है ये हमको। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील करीम हाशमी का आरोप है कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की जद में कई हिंदू परिवार भी हैं। पिताजी ने जो ये खेत था तब ये घर बनाए थे, आज जो है अब बता रहे हैं 60 फीट टूटा जाएगा, इसके पहले जब रोड मानक लिए थे तो 30 फीट लिए थे, तो हमारा मानक से बाहर पड़ रहा था, कोई निशान भी नहीं लगा। अब इधर पश्चिम में कुल विवादित हो रही है, हम भी तो हिंदू हैं, हमारी कौन गलती है। आइए अब दिल्ली की बात करते हैं। हवा यानी AQI इंडेक्स वो इंडिकेट कर रहा है जहरीले स्तर पर है हवा की गुणवत्ता। दूसरी तरफ जो यमुना में झाग की तस्वीरें, जिस तरीके का जहरीला झाग बढ़ते जा रहा है,
उससे छठ के जो व्रती हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि यमुना भी और उसका पानी भी इतना पॉल्यूटेड कैसे। दिवाली और छठ त्योहार से पहले दिल्ली की ये दो तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। जहां देखो वहां दूर दूर तक यमुना में झाग की मोटी चादर है और नीचे काला पानी जो दिनों दिन जहर बनता जा रहा है। नवंबर आने वाला है। दिल्ली के कई इलाकों में हर साल की तरह इस बार भी AQI 400 के पार चला गया है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में हर साल की तरह इस बार भी आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, जागीरपुरी, मुंडका, नरेला और रोहिणी जैसे इलाके हैं। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। मैं आपको सुबह तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो जरा मेरे सामने इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए। आपको एक हल्की धुंध की जो चादर है वो आसमान में नजर आएगी, और दरअसल ये कोहरा नहीं बल्कि ये प्रदूषण का एक लेयर है जो साफ साफ देखा जा सकता है। दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का ये फसाना हर साल का है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक है, बावजूद उसके खुलेआम पराली जलाई जा रही है, जिससे दिल्ली की हवा दम घुटन बन गई है। ABP News आपको रखे आगे।